एक पॉकेट साइज डिवाइस जो अर्थ को इकला सकती थी, पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। असल में ये टेस्ला के द्वारा गलती से बनाया हुआ एक सीक्रेट इन्वेंशन था। टेस्ला एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते थे जो इलेक्ट्रिसिटी को बिना तार के यहाँ से वहाँ पहुँचा सके, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके सभी इन्वेंशंस धरे के धरे रह गए। निकोला टेस्ला को आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जानती है, लेकिन उन्होंने ऐसे कई इन्वेंशन भी किए थे जिनके बारे में यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे ही 1896 में उन्होंने गलती से एक अर्थक्वेक जनरेटर यानी भूकंप लाने वाला यंत्र बनाया था जो एक पॉकेट के आकार का था और बड़ी बड़ी इमारतों को गिरा सकता था। जब टेस्ला ने इसे पहली बार अपने लैब में टेस्ट किया था तो आसपास के लोगों को भूकंप का एहसास हुआ, इसलिए टेस्ला इसे टेस्ट करने के लिए एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। वहां उन्होंने ये डिवाइस बिल्डिंग के नीचे लगाई। देखते ही देखते सभी वर्कर्स उस बिल्डिंग से भागने लगे। जब पुलिस आई तो टेस्ला चुपचाप अपनी डिवाइस लेके वहां से भाग निकले। उनका कहना था कि अगर थोड़ी देर ये डिवाइस ऐसी लगी रहती तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती। ये सब टेस्ला ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था, पर यहाँ सवाल ये है कि एक पॉकेट साइज डिवाइस अर्थ को कैसे ला सकती है। असल में टेस्ला ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो एक ऐसे टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर कर पाए। असल में उनका मानना था कि वो एक डिवाइस से एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी पैदा करके जमीन से भेजेंगे। ये वाइब्रेशन जमीन में मौजूद पत्थरों से होती हुई दूसरी जगह पर मौजूद रिसीविंग डिवाइस पर पहुंच जाएगी जो इसे इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर देगी, ठीक उसी तरह जैसे साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया एक खास तरह की वाइब्रेशन पर हर समय वाइब्रेट करती है जो 7.83 हर्ट्ज से लेकर 33.8 हर्ट्ज तक होती है। टेस्ला का कहना था कि अगर वो इस डिवाइस को अर्थ की वाइब्रेशन से मैच करा दे तो पूरी दुनिया में महाप्रलय भी आ सकती थी। लोग उनकी ये सब बातें सुनकर उनका काफी मजाक बनाया करते थे, लेकिन कुछ जाने माने वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स उन्हें सीरियस लेने लगे। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके पीछे टेस्ला का हाथ ना हो। चाहे आप बिजली से चलने वाली किसी भी चीज का इस्तेमाल करें या लंबी दूरी पर मौजूद किसी से बात करें, इन सब चीजों का आविष्कार टेस्ला के बिना संभव ही नहीं था। टेस्ला से पहले बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना काफी मुश्किल था। जनरेटर से पैदा हुआ डीसी करंट थोड़ी ही दूर पहुँचने पर बहुत कमजोर हो जाता था, इतना कि इससे एक छोटा बल्ब भी जलाना मुश्किल था। लेकिन टेस्ला ने एसी यानी अल्टरनेटिव करंट का आविष्कार किया जिससे बिजली हर जगह आसानी से पहुंचने लगी, और यही वो समय था जब टेस्ला धीरे धीरे मशहूर हो रहे थे। हजारों मील दूर जनरेटर से पैदा हुआ डीसी करंट अब एसी करंट में कन्वर्ट करके फैक्ट्रीज और घरों तक पहुंचने लगा। इसके अलावा टेस्ला ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम बनाया था जो पानी को इस्तेमाल करके बिजली बनाते थे। उन्होंने ऐसे बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाए जो बड़े बड़े डैम से बिजली बनाने लगे, जिससे आज अमेरिका 31% और चीन 95% बिजली बनाते हैं। साथ ही टेस्ला ने दुनिया को वायरलेस कम्युनिकेशन यानी बिना तारों के हजारों मील दूर तक बातचीत करने का तोहफा भी दिया, और ये सब उनके वो आविष्कार हैं जो आज दुनिया इस्तेमाल कर रही है। लेकिन आज लगभग किसी को भी नहीं पता होगा कि टेस्ला ने ऐसे ही 300 चीजों का आविष्कार किया था पर दुनिया के सामने कभी भी पेश ही नहीं किया गया, यानी सबसे टॉप सीक्रेट रखा गया। क्योंकि उन्होंने एसी करंट तो बना दिया था, लेकिन वो वायरलेस कम्युनिकेशन के जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को भी वायरलेस करने की जुगाड़ में लगे हुए थे, पूरी दुनिया में बिना किसी तार के बिजली ट्रांसमिट कर सके। पर उनके पास ये सब कुछ करने के लिए दिमाग तो था पर पैसा नहीं था, इसलिए वो अपना ये आइडिया लेके जेपी मॉर्गन के पास गए। असल में जेपी मॉर्गन उस समय के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मॉर्गन को ये आइडिया काफी पसंद आया और उन्होंने टेस्ला को $1.5 लाख की फंडिंग दी। टेस्ला ने अपने न्यूयॉर्क लैब में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के एक्सपेरिमेंट शुरू किए। लैब के ऊपर उन्होंने एक बड़ा टावर बनाया जिससे बिजली निकलती रहती थी, जिसे टेस्लास वायरलेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता था, या टेस्ला कॉइल भी कह सकते हैं, जिस वजह से आस पड़ोस के लोग इससे काफी डरने लगे। तो टेस्ला ने अपनी लैब कोलोराडो में शिफ्ट कर ली, जहां उन्होंने लगभग 180 फीट ऊंचा एक टावर बनाया था जिसे बनाने में काफी पैसा खर्च हुआ। पर टेस्ला का मानना था कि वो इस टावर से पूरी दुनिया में अर्थ की नेचुरल वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इधर जेपी मॉर्गन जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंड किया था, वो पहले ही इलेक्ट्रिक वायर और कॉपर माइनिंग के ओनर थे। वो बिजली के खंभों से लेकर तार, कोयला और ट्रांसपोर्टेशन संभालते थे। उन्हें जब इस चीज का एहसास हुआ तो उन्होंने टेस्ला को ना सिर्फ फंड करना बल्कि टेस्ला के दूसरे इन्वेस्टर्स को भी पैसा लगाने से साफ इनकार कर दिया। निकोला टेस्ला का वायरलेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोजेक्ट पैसों की वजह से रुक गया और ये सपना बस उनके दिमाग में ही रह गया, और अगले 10 सालों तक वो अपने टाइम का इंतजार करते हुए 85 साल की उम्र में मर गए। मरने के बाद टेस्ला के सभी इन्वेंशंस की थ्योरी सरकार ने अपने कब्जे में कर ली। ढेर सारे रिसर्च पेपर्स और एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट्स कभी भी पब्लिक नहीं की गई, बल्कि कई लोगों का मानना है कि आज तक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी टॉप सीक्रेट फाइल बन के रह गई है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई टेस्ला को कोई सीक्रेट फार्मूला मिल गया था? क्या वाकई वो वायरलेस इलेक्ट्रिक फील्ड पर काम कर रहे थे? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेस्ला अर्थ की वाइब्रेशन को अच्छे से समझते थे और शायद वो इसी वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके दुनिया को एक नई टेक्नोलॉजी देने वाले थे। उनका कहना था कि अगर आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है तो आप इसे एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की तरह समझना शुरू कर दें। और शायद वो सही थे, क्योंकि उनके जाने के बाद कई इंस्टीट्यूट ने लैब में ये नोटिस किया कि इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी मौजूद है। किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को स्टडी करके आप दुनिया के दूसरे छोर में मौजूद दूसरी चीज़ तक एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये दो फॉक्स देखें, जिनका फिजिकली कोई कनेक्शन नहीं है, पर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी एक है। पर इनमें से एक को टच करने से दोनों ही एक सेकेंड में 440 बार वाइब्रेट करते हैं। निकोला टेस्ला जिस वायरलेस एनर्जी की बात कर रहे थे वो शायद ऐसे ही काम करती और शायद उन्हें कोई सीक्रेट फ्रीक्वेंसी भी मिल चुकी थी। पर उनके रिसर्च पेपर्स आज भी टॉप सीक्रेट हैं और पिछले 150 साल की हिस्ट्री में भी ज़्यादातर वॉर ऑयल की वजह से ही हुई हैं, जैसे वॉर ऑफ गल्फ, कुवैती ऑयल फायर, इराक वॉर और ऐसी ढेर सारी जंगें फॉसिल फ्यूल को कब्जे में करने के लिए की गई हैं। जिस फॉसिल फ्यूल एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए इतनी सारी लड़ाइयाँ की गई थी, सोचने की बात है कि अगर हर कोई अर्थ की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फ्री एनर्जी बना लेता तो इतनी सारी जंगें होने से पहले ही रुक जाती। इन सब के साथ साथ टेस्ला के और भी कई इन्वेंशंस थे जिन्हें या तो खत्म कर दिया गया या टेस्ला के जाने के बाद टॉप सीक्रेट कर दिया गया। ऐसी एक डेथ रे बीम डिवाइस थी, ये न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन था। 1934 में हुए एक इंटरव्यू में टेस्ला ने खुद बताया था कि यह डिवाइस हजारों मील दूर मौजूद हजारों लोगों की जान ले सकता था या जहां तक अर्थ की कर्व है वहां तक सब कुछ खत्म कर सकता था। असल में दोस्तों ये टेस्ला का नया इलेक्ट्रिक वेपन था जो 50 मिलियन वोल्ट पैदा कर सकता था, जो कि आसमान से गिरने वाली बिजली से 166 गुना ज्यादा है। इसके अलावा टेस्ला ने थॉट कैमरा का आइडिया भी दिया था। जिस तरह एक आम कैमरा वो सब कुछ कैप्चर कर सकता है जो हम देख सकते हैं, उसी तरह टेस्ला का थॉट कैमरा हमारी सोच को भी कैप्चर कर सकता था, जिससे इंसान जो कुछ भी सोच रहा होगा उसकी फोटो बनकर सामने आ जाएगी। पर इस पर कभी भी फिजिकली तौर पर काम तो नहीं हुआ, पर इसी आइडिया की वजह से 1895 में एक्सरे का इन्वेंशन किया गया था। दोस्तों निकोला टेस्ला शुरू से ही एक ऐसे महान वैज्ञानिक रहे थे जिन्होंने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। वो चाहते तो वो भी अपनी इन्वेंशन से काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, लेकिन जब वो मरे तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना होटल का रेंट भी दे सके। असल में उनकी डेथ भी आज तक एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। 7 जनवरी 1943 में एक होटल के एक रूम में उनकी डेड बॉडी मिली थी। अमेरिकन ऑफिशल्स का कहना है कि ये एक नेचुरल डेथ थी, पर कई सारे एक्सपर्ट्स और लोगों का मानना है कि उन्हें मारा गया था। अब क्या सच है और क्या झूठ है ये तो आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। पर उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप देख सकें। और इन वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।